नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मिल रहे हैं सफल कुमार भोई जी से। सफल कुमार भोई जी युवा कवि हैं, साहित्यकार हैं, खेती किसानी के काम से अनवरत रूप से जुड़े होते हैं और आप मूल रूप से महासमुंद जिले के निवासी हैं और अभी रायपुर में भी उनका व्यवसाय चल रहा है। आज हमने इनसे समय मांगा कि भैया आपसे बातचीत होगी और आपने बहुत सहजता से समय दिया है, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और आपसे बातचीत की शुरुआत यहाँ से कि भाई गांव में इन दिनों कैसा क्या कुछ चल रहा है खेती किसानी के काम धाम। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वक्तव्य के लिए मुझे बुलाया। आपका सवाल किया है कि गांव में अभी इन दिनों क्या चल रहा है, तो सबको विदित है कि इन दिनों गांव में खेती किसानी का दौर चल रहा है, सब व्यस्त हैं। अभी इस वक्त दोपहर में आप जाएंगे घर में तो आपको कोई नहीं मिलेगा, सब खेत में मिलेंगे। तो खेती किसानी का काम बढ़िया चल रहा है, सब अपने अपने खेतों में व्यस्त हैं और इस वर्ष वर्षा पानी की भी अच्छी हुई है तो ससमय खेती हो रहा है, समय पे सब कुछ हो रहा है। समय आपके तरफ तो सिंचाई विंचाई की सुविधा है कि जरूरत नहीं? हमारे क्षेत्र में बरसात के मौसम में तो वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और बाकी सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम है। जो बोरवेल्स होते हैं निजी तो वही किन्हीं लोगों के पास हैं जो बड़े किसान होते हैं उनके पास, जो डबल फसल लेते हैं कुछ बड़े किसान लोग लेते हैं जिनके पास सुविधाएं हैं। और औसत रूप से क्या क्या किन किन चीज़ों के वहाँ उत्पादन है? मुख्य रूप से धान का ही उत्पादन होता है और कुछ कुछ चीज़ें बहुत कम रूप में टिकरा वगैरह खेती भी होते हैं, जहाँ फल्ली मूंग दाल वगैरह कुछ कुछ खेती हो जाती है, बहुत कम रूप में होते हैं, मुख्य फसल धान है। सफल भाई आप किसान हैं, किसानों के जीवन में अभी सरकारों का जो कामकाज है कैसा प्रभाव डाल रहा है? किसानों के जीवन में सरकार का जो कामकाज है वो जैसे प्रमुख खेती हमारा फसल धान है, तो धान के समर्थन मूल्य को लेकर आप बात करें तो समर्थन मूल्य बढ़ने की वजह से किसानों की स्थिति बहुत सुधरी और किसानों को उनका उचित मूल्य मिल रहा है, दूसरे राज्यों के अपेक्षा अधिक मिल रहे हैं जो कि किसानों के हित में है। और इस वजह से पिछले कुछ सालों से, जैसे पिछले लगभग पिछले 5-6-7 सालों से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, वो किसानों के जो जीवन का स्तर है वो ऊपर हो रहा है। अच्छा, किसानी के काम में महिलाओं का भी बड़ा योगदान होता है, जिस तरह से किसानों को श्रेय दिया जाता है समाज में किसानी के लिए, महिलाओं को भी मिल पाता है इतना श्रेय और सम्मान कृषि के कार्य के कारण? देखिए, महिलाएं भी सक्षम है कृषि के कार्य में, महिलाएं पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं है, वो बराबर तौर पे पुरुषों का साथ देती हैं और यहाँ कहना चाहिए पुरुषों से अधिक महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है तो इस वजह से पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु महिलाएं पुरुषों के से भी ज़्यादा कार्य करती हैं, वे खेतों में भी जाके कार्य करती हैं और फिर खेत से हटकर आके घर में भी कुछ उतना ही कार्य करती हैं, तो एक तरह से महिलाओं को बहुत योगदान होता है। तो फिर उस हिसाब से महिलाओं को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जी जी वो मिल पा रहे हैं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पुरुषों को कृषि के क्षेत्र में उनको सम्मान मिलता है वो महिलाओं को नहीं मिल पाता, इसमें कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है इसी का ही दोष है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की सरकार हर महीना 1,000 रुपये दे के महिलाओं को महतारी वंदन योजना लॉन्च कर दी है और उससे माने उसकी बड़ी चर्चा है, आपके तरफ क्या कैसा है? नहीं, बिल्कुल सही है, ये जो योजना है बहुत ही महिलाओं के लिए लाभप्रद है कि एक आर्थिक सहयोग राशि प्रति माह 1,000 मिल जाने से उनको काफ़ी सहयोग हो जाता है और ये इसलिए अच्छी है कि ये जो है राशि सीधे जो है महिलाओं के खातों में जा रही है तो पूरा उनको मिल रहा है, दुरुपयोग की संभावना नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। तो दुरुपयोग पुरुष ही करते हैं? नहीं, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जो कमाई का जो हिस्सा है
जो आय के जो साधन होते हैं वो हमारे समाज में ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं, कि पुरुष काम करने जाता है बाहर, पैसे लेकर आते हैं। तो कुछ भी चीज़ें होती है, महिला अपने खर्चों के लिए स्वतंत्र नहीं होती, निर्भर होती है, निर्भर होती है किसी दूसरे के। तो अभी जो ये उनको आर्थिक सम्मान निधि मिल रहा है 1000 रुपये, तो इससे कम से कम महिलाएं जो है अपने सम्मान की चीज़ें, न्यूनतम जो जरूरत, न्यूनतम जो जरूरत चीज़ें, वो अपने हिसाब से ले सकती हैं, अपने स्वतंत्रता महसूस कर सकती हैं। अच्छा, गांव में भी पुरुष पैसे उड़ा देंगे वाली जो बात है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आदमी को पैसा मिलेगा तो पी के उड़ा देगा, कितना माने सहमत हैं आप इस बात से? क्या ये सही बात है कि गांव शराब में बर्बाद है? नहीं, आपने ये एक जो सामाजिक, समाज पे जो अभी बहुत बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो नशे की, वो सवाल किया है आपने, जो कि छत्तीसगढ़ में तो ये बहुत सही है कि पुरुष जो है नशे की ओर एकदम से घुसे जा रहे हैं, और युवा और किशोरावस्था के बच्चे भी नशे में डूबते जा रहे हैं, जो कि एक सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। विफलता है, हाँ विफलता इसको कहा ही जाना चाहिए, क्योंकि सरकार वोट बैंक के लालच में घोषणा तो करती है कि हमने शराब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आज इतने साल हो गए न शराब बंदी होती है या नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और कुछ कुछ कार्रवाइयाँ दिखाई भी जाती हैं वो बस कोटा पूर्ति करने के लिए किया जाता है, और नशे के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई जाती, जो कि छत्तीसगढ़ को एक जो है पूरे दौर की ओर लेते जा रही है। तो शराब बंदी कर देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल कर देनी चाहिए, यदि छत्तीसगढ़ को नशे से बचाना है, या फिर शराब बंदी भी हो तो उस पर उचित कार्रवाई हो, ऐसा नहीं कि शराब बंदी हो रही है तो फिर जो है जो बाकी जो शराब के चीज़ें बनती हैं, जो सरकारी शराब बंदी हो गए और बाकी गांव में फिर शराब बनने चालू हो गए, तो इसमें कोई वो नहीं है, तो उस पर कार्रवाई हो तो पूरी तरीके से हो। लेकिन शाम को 7 बजे 8 बजे शराब की दुकानों पे जो भीड़ लगती है वो आपने देखा होगा? बिल्कुल देखा हुआ है। तो लगता है कि शराब बंदी के फैसले को जनता का वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लगता है आपको? जी देखिए, कि जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें गलत हैं उन पे तो फैसले, कड़े फैसले लेने होते हैं, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अभी को कहना चाहिए कि अभी बस एक युवा 23 साल का युवा है, 24वां साल रनिंग है, 2000 में बना है छत्तीसगढ़, अभी एक युवा है, तो जिस तरीके से हम बच्चे को नियंत्रित करने के लिए उस पर डांट फटकार, उस पर पाबंदी लगाते हैं जैसे कोई गलत चीज़ करता है, तो इस तरीके से हम जो लत पड़े हुए हैं, जो गलत है उनको पता है, तो हमको उस तरह उस बच्चे की तरह से हमको ट्रीट करना पड़ेगा सरकार को, जो नशा के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए, ताकि छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल हो, उज्ज्वल हो सके। सरकारों का जो काम काज है उसका, चूंकि आप कृषि से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, गांव ग्रामीण कृषि, इन पर सरकारों के काम काज का कितना और कैसा प्रभाव पड़ रहा है? एक तो बात आपने बताई इसका सम्मान निधि महतारी बंधन, और दूसरा वो समर्थन मूल्य, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यू हैं, सड़क का जी है ना भाई, मकानों का, आवास का, सिंचाई का, इन सब चीज़ों को लेकर क्या दृष्टि है आपकी? बाकी चीज़ों में जैसे कहा जाए तो सरकारें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती रही, एक बार जो सरकार विपक्ष में बैठ रही है, दूसरे बार सत्ते पे आ रही, सत्ता में आ रही है वो सरकार फिर विपक्ष में बैठ रही, तो इससे सड़कें और कार्य जो है, सड़कें बाकी विकास तो हुए हैं, सड़कें कुछ बनी हैं, कुछ जगह सही नहीं है, पर विकास का दौर चल रहा है, पर ये सत्ता परिवर्तन के इसमें कुछ सरकार कहीं तक काम लेके जाती है, दूसरी सरकार आती है वो काम वहीं रुक जाता है, जैसे कि पिछली सरकार, जैसे हमने देखा कि जब 15 साल से रमन की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब जो है, जो अभी घर की बात की आपने, आवास की, वो एक सही तरीके से मिल रही थी लोगों को, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो वो जो आवास योजना थी वो वहीं पास रुक गई, लगभग 5-6 साल तक उसमें कोई कार्य नहीं। अभी जैसे अभी चुनाव में भाजपा फिर से आ गई,
तो जाहिर सी बात है हर कोई सत्तारूढ़ पार्टी अपनी योजना को आगे बढ़ाएगी, तो इसमें अभी फिर आवास के चीज़ें मिलने को प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। तो ये सभी व्यवस्थाएँ हैं राजनीतिक हित के लिए, जो जनता के अहित होते हैं वो तो जारी हैं, पर इस चक्कर में जो उनको दिखाना है कि विकास भी हो रहा है, तो उसमें चाहे राजनीतिक हो लेकिन विकास उस चक्कर में हो रहा है। कांग्रेस ने 5 साल यहाँ राज किया, अभी उनके 5 साल के कामकाज का आकलन आप कैसा करते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल अभी कार्य किए हैं, तो उसमें एक तो कहना चाहिए, एक चीज़ का सही, कांग्रेस को चाहे अपने राजनीतिक हित के लिए किया था उन्होंने, जो समर्थन मूल्य की बात थी वो जो है छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य कर्जा माफ, और दूसरी बात थी कर्जा माफ, दो चीज़ें जो उन्होंने की, इससे किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, क्योंकि कोई किसान का लंबित समय से 2 लाख या 40,000 या 50,000 जो है लंबित है उसका कर्जे, पिछले किसानी की वजह से जो वो किसानी खेती किसानी करने के लिए वो लेते हैं, तो उस वजह से क्या हो रहे थे, वो आगे ना लोन ले पा रहे थे, ना वो ज़मीन का सही सदुपयोग कर पा रहे थे, ना चीज़ें कर पा रहे थे। पर ये जो कर्जा माफ और जो समर्थन मूल्य हुआ, इसमें किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया और किसान का जीवन स्तर ऊपर हुआ। एक चीज़ और है, आप थोड़ा राजनीति को जानते भी हैं, इसलिए मैं अपनी जानकारी बढ़ाऊंगा आपके जरिए। जी सफल भाई, इन्होंने जो किया कांग्रेस वालों ने चुनाव के पहले कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, पिछली बार जीतेंगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, जी वो जीते और कर्जा माफ भी कर दिया, है ना। कर्जा माफी के बाद इन्होंने जो काम किया था, ऐसा लग रहा था कि अब तो कांग्रेस हारेगी ही नहीं। सही है ना, इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया था तो फिर हारे क्यों? देखिए, जनता जो है, जनता का फैसला जो है अपने हाथ में होता है, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि चुनावी जो राजनीति है छत्तीसगढ़ में, अलग ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, ठीक है, लेकिन आप उसी में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक या दो सीट कांग्रेस की आती है, बाकी सारी सीटें भाजपा की, जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो चुकी है और ये जानती है कि जो हमारे लिए कार्य नहीं करेगा हम उसको सत्ता से उखाड़ेंगे। ठीक बात है। और दूसरी बात कि अभी राजनीतिक समय में जो एक प्रलोभन का कार्य चल रहा है, जिसको कि अभी रेवड़ी बांटने का नाम दिया है, वो जो चाल चल रहा है वो अभी राजनीति में मेरे ख्याल से बहुत काम कर रहा है, क्योंकि पिछली सरकार जिसने 2500 रुपये और कर्जा माफ की दम पे कांग्रेस सरकार लाई थी, भाजपा अभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह धनराशि और दूसरी बात 2100 रुपये धान खरीदी, और पिछले साल जब जिसने वो वादा किया था उस साल के धान का बोनस, ये प्रलोभन देख के ये जो है नीति चुनाव में लाई, ये वादे लाए जिसके बलबूते पर वो जीती, और ये जनता अच्छे से जान चुकी है कि हमको किसको लाना है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा होता रहा है कि एक बार 3 साल की चीज़ों को, मतलब 3 बार की सरकार को छोड़ दें रमन सिंह, तो परिवर्तन होती रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं, बहुत प्रलोभन देने वाले मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीत भी लिया जाता है, अपनी समझ में आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जो जनाइन हो, लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जो मूल मुद्दे हैं उनको जो सरकार लाई, तो हो सकता है उनको लगता होगा कि शायद ये मुद्दों में हम लोग काम करें तो ना जीतें। जो मूल मुद्दे हर व्यक्ति को पता है, सबसे मूल मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, है ना, शराबबंदी, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार और अंधेरे की ओर ढकेले जा रहे हैं, महंगाई ये जो है मूल मुद्दे। तो इन चीज़ों पे सरकारों को काम करनी चाहिए। सबसे बड़ा रोजगार सही उत्पन्न हो, है ना, रोजगार के क्षेत्र में कार्य हो, उद्यम के क्षेत्र में कार्य हो, युवा जो है नए नए उद्यम
प्रारंभ करें और रोजगार के अवसर प्रदान करें, तो इससे क्या है ना, लोगों के पास पैसे भी आएंगे, चीज़ें भी, जीवन का स्तर भी बढ़ेगा और लोगों में सुधार होगा। सफल भाई, आप तो कई सेक्टर में काम कर चुके हैं, आप युवा हैं, युवाओं का रुझान आप किस ओर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में? युवाओं का रुझान अभी जो है, क्योंकि कई चीज़ें जो है समाज और राज्य को कुछ योजनाएं या फिर जो दशा दिशा निर्धारित करते हैं सरकारें और चीज़ें, तो उस पर होता है माहौल, युवाओं को जैसा मिलता है वो लोग उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो युवा जो है, जो शिक्षित युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में अपने मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं। सरकार द्वारा उनको कोई सहायता या फिर कोई इस तरीके से जो चीज़ें बनाई गई हैं वो बस, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि वो बस कागज़ों या फाइलों में ही चल रही हैं, युवाओं का कोई महत्वपूर्ण लाभ उस चीज़ का नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में युवा दिग्भ्रमित है क्या? हाँ, अभी कहाँ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के युवा तो दिग्भ्रमित हैं, उनको सही रास्ते में लाने के लिए, उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अच्छा, नक्सलवाद पर भी कुछ बताइए ना, छत्तीसगढ़ का बड़ा मसला है, क्या इस युवाओं को लेकर इसी तरह से समुचित नीति का नहीं बन पाना इसके पीछे कारण है क्या? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। नक्सलवाद पर ये हो सकता है, या ये सबको विदित भी है कि कुछ राजनीतिक फायदों के लिए नक्सलवाद का उपयोग किया जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बने आज 24-25 साल होने को जा रहे हैं और सशक्त सरकार है, तो नक्सलवाद के खिलाफ सही मुहिम, सही चीज़ों पे कार्य करके उसको दबाया जा सकता है। पर ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही इतने साल के बाद भी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर काम करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, आरक्षण को लेकर आपकी क्या सोच है? अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया है जिसमें कोटा विद इन कोटा को उन्होंने मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, आपका रिजर्वेशन को लेकर क्या सोच है? देखिए, रिजर्वेशन की जो है छत्तीसगढ़ में, तो जो यहाँ के जिन वर्ग को लेकर आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो वो वर्ग हैं कुछ जिनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु जैसा कि संविधान में शुरू से ही कुछ नियम बनाए गए थे कि आरक्षण इतने साल तक रहेंगे और इतने साल के बाद डेवलप होने के बाद उनको जो है स्वतः ही नष्ट कर दिया जाए, ये कुछ प्रावधान संविधान में देखे जा सकते हैं, परंतु उसको वहाँ कार्य न करके उसको आज तक यहाँ तक लाया गया है और पिछड़े लोगों को जो आरक्षण देने की जो बात कही गई है, तो उस पर कुछ फैसले जो है वो न्याय संगत लेने आवश्यक हैं। बढ़िया सफल भाई, हम लोग आपके गांव, कृषि और इन मुद्दों पर तो चर्चा की है, लेकिन अब थोड़ा सा अपन रायपुर में भी केंद्रित होंगे। रायपुर में आप लंबे समय से हैं और रायपुर में आने वाले कुछ समय के बाद में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, तो बात करने के लिए तो बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन पहली मेरी बात आपसे ये है कि रायपुर को आपने कैसे बदलते हुए देखा, कितने साल हो गए आपको और रायपुर को चेंज होते आपने कैसे देखा, क्या क्या परिवर्तन देखा आपने? पहले आपने जब देखा तब रायपुर कहाँ था, आज रायपुर कहाँ खड़ा है, प्लीज़? रायपुर तो बहुत तेज़ी से बदला है। हम रायपुर में लगभग जो है पिछले 10-12 सालों से यहीं पर हैं और इस समय रायपुर, क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और राजधानी पूरे तौर से ये कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो 2000 में पैदा हुआ है ना, तो बच्चा जिस तरीके से आगे बढ़ता है, जिस तेज़ी से, बिल्कुल रायपुर भी उस तेज़ी से आगे बढ़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण इसको बिल्कुल महत्व मिला है और यहाँ पर सारी सुविधाएँ बढ़ते गई हैं और जैसे कई जगहों को देख सकते हैं आप, वहाँ सौंदर्यीकरण और विकास इन चीज़ों को लेकर ध्यान दिया गया है और जो चीज़ें होनी चाहिए, जो दिखावे की चीज़ें हैं वो तो बहुत तेज़ी से हुई हैं, जैसे सड़कें बदलना,
गौरव पथ का निर्माण होना और रायपुर में विभिन्न तालाब हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण होना। अब बूढ़ा तालाब को भी देख सकते हैं कि पहले कैसे था अभी कैसे है, पूरे हालात चेंज हो चुके हैं। तो दिखावे जो बाहर की चीज़ें हैं, संजना संवरना, ये सब के लिए तो रायपुर में बहुत सारे काम हुए हैं, सब चीज़ बने हुए हैं, ओवरब्रिज बने हैं, आपके रेलवे स्टेशन अच्छा साफ सुथरा बना, सारी चीज़ें अपडेट हुई, एयरपोर्ट पे काम हुआ, सारी चीज़ें हुई। पर जो मेरे को लगता है कि जो काम जनता के लिए होनी चाहिए, जो जनता घर के अंदर बैठी हुई, जो पानी की सुविधा चाहिए जिसको, जिसको रोड और सड़कें की सुविधा चाहिए। आज भी देखेंगे रायपुर में थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण कई मोहल्लों में कई सड़कों पे पानी भर जाता है, जहाँ 2-3 घंटे आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि लोगों के घरों में भी पानी घुस रहे हैं आज के दिन में भी, आज भी घुस रहे हैं। कुल मिला के जनता खुश नहीं है, खुशहाल जिंदगी नहीं जी रही। जनता को जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला है। बाकी दिखावे के लिए जो सरकार को कार्य करने हैं, सड़कें बनाना है, ओवरब्रिज बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि जनता को दिखता है और जनता के घर के घर में जो काम हो रहा है वो उनको नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में इस बार जब नगरीय निकाय चुनाव होगा जी, तो जीत किसकी होगी, बीजेपी की, कांग्रेस की, या किसी थर्ड फ्रंट की? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव जो है ना, आपका विधानसभा चुनाव और लोकसभा दोनों से अलग होते हैं, इनके रिजल्ट अलग ही वो करते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, पार्षद होते हैं, है ना, और महापौर, मतलब स्थानीय लोग चुना जाते हैं, जैसे गांव में एक सरपंच का चुनाव होता है, इस तरह का माहौल होता है। तो मुख्य मुद्दे वही हैं कि जो जनता के समस्या को निराकरण के लिए जो आगे आएगा, जो उन पे बात करेगा, मेरे को लगता है वही सरकार आएगी। लेकिन आपने तो इसमें महापौर के रूप में मेरे ख्याल से बीजेपी कांग्रेस दोनों नेतृत्व देखा होगा। हाँ, दोनों देखे। और अभी आप, हम लोग बात कर ही रहे थे कि अभी भी आम लोगों की जिंदगी में दिक्कतें बनी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बार जनता कौन सी पार्टी के ऊपर रायपुर को सुधारने के लिए भरोसा रख सकती है? मेरे को ये लगता है कि अभी वर्तमान में जो सत्ता है वो चीज़ों को लेकर परिवर्तन कर सकती है, सत्ता के प्रभाव से या किसी अपने काम के मॉडल की वजह से? नहीं, कार्यों की वजह से, काम के मॉडल के अनुसार। तो बीजेपी ने अभी रायपुर में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जीत जाएगी बीजेपी? हमने ये नहीं कहा, हाँ। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या फिर कोई अन्य दल आएगा, मतलब परिवर्तन के आसार है। परिवर्तन के आसार, ओके, ठीक है। अच्छा, तो एक बात ये भी थी कि लोगों की ज़िंदगी में सुधार तो हुआ नहीं, इससे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बदलाव होने चाहिए रायपुर में, क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? जो आपने बिजली पानी का मुद्दा उठाया वो तो चलिए ठीक है, इसके अलावा भी कोई चीज़ दिखती है क्या कि रायपुर होने के कारण, राजधानी होने के कारण इन चीज़ों के यहाँ पर और ज़रूरत है? नहीं, कई चीज़ें हैं जिनमें कार्य करने की आवश्यकता है। जब बिजली पानी करें वो तो मूलभूत आवश्यकता है, वो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनका जो डोर टू डोर जो सुविधाएं की बात की जाती है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एकदम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जैसे कुछ व्यवस्थाएं सुधारी जानी चाहिए, जैसे कि रायपुर के कोई भी चौराहे में आज देखेंगे, आज एक भिखारियों की बहुत समस्या है, और उनकी ये समस्या है कि वो एक्चुअल में भिखारी यहाँ पे चोरी करने आए हैं या फिर क्या करने आए हैं ये हमको नहीं पता, और चोरी और इसकी वारदातें भी रायपुर शहर में बढ़ती जा रही हैं। क्राइम बढ़ा है रायपुर में, क्राइम चीज़ों को देखेंगे तो बढ़ती जा रही है, जो कि चाकूबाजी और चीज़ें आपको पेपर में रोज़ देखने को मिल जाएंगे, बहुत आम बात हो चुकी है। नशे का चलन बढ़ा है रायपुर में। अच्छा, क्राइम बढ़ा है कि क्राइम का नेचर बदला भी है? हाँ, दोनों बोल सकते हैं। एडवांस हुआ है, अभी ऑनलाइन चाकू भी मंगा लेते हैं, हाँ। साइबर फ्रॉड होने लगा है, साइबर क्राइम होने लगा है, चीज़ें होने लगी। अच्छा, तो इस पे कार्य करने की आवश्यकता। एक और बात है बॉस, रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होने हैं। जी जी, एक विधानसभा क्षेत्र है, जानते ही हैं आप, कौन वहाँ का विधायक बन सकता है इस बार?
देखिए, दक्षिण जो विधानसभा है उसमें अभी जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थे उन्होंने वो सांसद बन गए तो उनकी सीट अभी खाली थी, तो एक भाजपा की जीती हुई सीट है, सरकार भी भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की, तो उम्मीद वहाँ से ज़्यादा ये की जाए कि फिर से वहाँ भाजपा का ही उम्मीदवार विजयी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अभी के दौर में सिमट के रह चुकी है, तो वहाँ जो भी उम्मीदवारी होगी उसमें भाजपा के जीतने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बना सकती है? जो वहाँ के अजय उम्मीदवार थे वो तो सांसद बन गए। जी जी जी, तो देखिए भाजपा के पास उम्मीदवार तो हैं, पर जहाँ तक लगता है कि जो वहाँ से सांसद बने हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनके सलाह पर ही वहाँ उम्मीदवारी दी जा सकती है। चेहरा देखो, चेहरा अभी है भाजपा में, कुछ नाम ले पाए, जैसे आप एक मेरे को मुख्य तौर पे दौर ये लगता है कि जो उनके भाई हैं योगेश अग्रवाल जी, अरे घनश्याम महानंद भी वही बोल रहे थे कि उनका नाम उन्होंने भी लिया है, ठीक तो है। मेरे को लगता है क्योंकि इसके जाहिर सी बात है राजनीति है, तो राजनीति में जो है कि इसको तो नकारा नहीं जा सकता कि परिवारवाद नहीं चलते, इसको सीरियस से कोई भी खारिज नहीं किया जा सकता, पर जहाँ तक आंकड़े दिख रहे हैं हमको तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का सीट था, उनके आदमी हैं, तो यदि उनके भाई खड़े हुए योगेश अग्रवाल जी तो लोग ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को ही मानेंगे कि यही खड़े हैं, और जिस मतलब जोश के साथ उनको मत देने जाया करते थे वही जोश इनके उम्मीदवारी पर भी रहने वाले हैं, तो जहाँ तक हो सकता है योगेश अग्रवाल जी आ सकते हैं। और आएंगे तो जीतेंगे भी? जीतेंगे। हाँ अच्छा, कांग्रेस से कौन हारने के लिए खड़ा होगा फिर? मतलब इधर से तो जीतना जब पक्का ही है तो उधर से तो कोई भी आएगा हारेगा ही। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस किसको हारने के लिए खड़ा कर सकती है? देखिए, अभी पिछले बार जो उन्होंने जो अपने महंत जी थे, महंत जी खड़े हुए थे उसी विधानसभा सीट में, तो जो कि महंत जी जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के गुरु माने जाते हैं, दोनों गुरु चेला आमने सामने खड़े हुए थे, तो अभी इस वक्त तो उम्मीदवारी कांग्रेस में बहुत लोग जो है मतलब विधानसभा चुनाव में हार के भी बैठे हुए हैं, तो उम्मीदवारी किसी की भी हो सकती है। और एक बात ये भी सुनने में आ सकता है कि भाजपा ऐसा चाह रही कि जो महंत जी अभी कांग्रेस छोड़ चुके हैं जो बैठे हैं, है ना, यदि परिवार वाद वाली बात नहीं होती है तो महंत जी को भी भाजपा में ला के सीट मतलब उम्मीदवारी दे आ जा सकता है। अच्छा, ऐसे भी आसार बन सकते हैं और तब भी वो जीत सकते हैं? जीत सकते, भाजपा तो आ सकती है। ज्यादा जीत की संभावना, क्योंकि उपचुनाव में आप जानते हैं जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी की जीत की संभावना अधिक होती है। मैंने कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को बस नाम तय करना है, बाकी सामने वाला तो विधायक बन ही जाएगा। जी जी जी, हाँ, यहाँ पर दो सवाल आते हैं। आपने जैसे कि आपने कहा कि घनश्याम मान जी भी योगेश अग्रवाल का नाम लिया था, तो जाहिर सी बात है उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं नकार सकते हैं कि जाहिर सी बात है अच्छे व्यक्तित्व हैं, साफ छवि के हैं योगेश अग्रवाल जी भी, उनके साथ हम रहे भी हैं तो वो क्या हैं, लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है कि भाजपा जो हमेशा बात करती है कांग्रेस के प्रति परिवारवाद, तो यहाँ पर क्या भाजपा क्या फैसला लेगी? ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कांग्रेस से ला कर चुनाव जीतने के लिए महंत जी को भी खड़ा कर दिया जाए, जितवा दिया जाए, तो भी बहुत सारे ऐसे लोकल नेता होंगे क्या जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, बहुत पुरानी पार्टी है और कई नेता जो है, कई जो कार्यकर्ता भी हैं जो कई संस्थाओं से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको अभी तक कई लोगों को मौका नहीं मिला है, तो भाजपा को तो होना चाहिए कोई वरिष्ठ लोगों को जो पुराने समय से जुड़े हुए हों, जिनको मौका नहीं मिला, जो कार्य कर रहे हों, उनको भी मौका दे और दे भी सकती है, तो ऐसे कई नेता हैं और विदित हैं, बड़े बड़े नेता हैं। नहीं तो पिछले 40 साल से रायपुर दक्षिण में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वाली जगह से तो किसी ने सोचा तक नहीं, ना उन्होंने सोचने का वक्त दिया, वक्त नहीं दिया, तो भी ऐसी स्थिति में है कुछ नाम आपके जेहन में, आपकी सोच में, कि अगर योगेश अग्रवाल भी ना हुए, महंत जी भी ना हुए,
तो कौन हो सकता है? नहीं, और भी नामों पर विचार किया जा सकता है, कुछ नाम है जैसे सच्चिदानंद उपासनी जी हैं। अच्छा, और भाजपा के नेता कुछ पार्षदों में जैसे दावेदारी में हैं, इनका नाम सुनने में कई लोग कर रहे हैं, जैसे का नाम मेरे को थोड़ा सा है, कई नेता हैं, अमर बंसल जी हैं उस क्षेत्र में जो सक्रिय रहे हैं, तो और कई नेताओं पे, नेताएं तो बहुत है भाजपा में, उन पर विचार किया जा सकता है। अच्छा, अब अपन थोड़ा सा कविताओं पर, साहित्य पर भी बात कर लेते हैं। सफल भाई जी, रचनाओं को लेकर आपका काम धाम अभी कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है, कुछ रचनाएं जो हैं अभी चल रही हैं, है ना, और बाकी क्योंकि साहित्य के साथ साथ उद्यम और बाकी चीज़ें भी हैं, तो सब चीज़ें साहित्यिक गतिविधियों को लेकर अभी रायपुर का वातावरण आप कैसा देख रहे हैं? साहित्यिक गतिविधियों को लेकर रायपुर का वातावरण जो है, अभी कुछ जो है लॉकडाउन के बाद से जो है, अभी जो 2019-20 के बाद से जो है सरकार है, तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं, जैसे कि फिल्मों को जो है, फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का तो जोरदार माहौल है जी इस समय, है? जी, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको सरकार द्वारा फिल्मों के बजट को लेकर उनको छूट दी जा रही है ना, जो उस पर कार्य करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ का जो अभी साहित्य और लेखन और इन संगीत, गीत संगीत, इन सभी चीज़ों का जो है अभी मतलब प्रगतिशील के ओर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के युवा बड़ी संख्या में, पूरे देश के युवा सोशल मीडिया के गिरफ्त में है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, बहुत बार आ चुके उसके कई दुष्परिणाम, उस पर कुछ बोलना चाहिए आपको सफल भाई जी? जी, आपको बहुत लोग सुनते हैं, आपको बहुत लोग चाहते हैं। नहीं जी, धन्यवाद, बट इसमें जो है आप सोशल मीडिया के जो है उसके फायदे भी हैं और उसके हानि भी हैं, तो छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया और इन चीज़ों का युवाओं को जिस स्तर पर उपयोग करना चाहिए अपने लाभ के लिए या समाज के लाभ के लिए और अपने व्यक्तित्व जीवन या फिर समाज के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसमें अभी की स्थिति में ऐसा कहा जाना चाहिए कि सोशल मीडिया से जितना लाभ उनको उठाना चाहिए उससे ज़्यादा उनको हानि हो रही है, ज़्यादा समय व्यस्त कर रहे हैं, वेस्ट बोला जाए, समय बर्बाद कर रहे हैं युवा सोशल मीडिया के ऊपर लेके, जैसे कि आप जाहिर सी बात है रील स्क्रॉल करना या फिर जो समाज के अहित के रूप में होते हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ कुछ जागरूकता अभियान और कुछ सही शिक्षा स्कूलों में या फिर किसी अन्य माध्यम से इस क्षेत्र पर कार्य करना चाहिए। सफल भाई, आप सराईपाली क्षेत्र के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार को बिलोंग करते हैं, राजनीति में पूर्णकालिक रूप से आने की कभी सोचा आपने या कभी आने वाले हैं, आएंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, हमारा उद्देश्य सर्वप्रथम ये है कि समाज के प्रति जो हमारा कार्य है वो संपूर्ण अच्छे ढंग से करें, और समाज के प्रति कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें जहाँ तक है अभी हम लोग क्योंकि युवा पीढ़ी के हैं तो युवा के रूप में कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम ये होता है कि आदमी अपने आप को सक्षम करे, तो उस कार्य में हम लगे हुए हैं और उद्यमता के माध्यम से उस सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं। उसके पश्चात एक कलाकार के लिए, एक लेखक के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आप रोज़मर्रा आप यदि साहित्य लिखते हैं तो आज की डेट में छत्तीसगढ़ में आप साहित्य लिखना चालू करेंगे तो आपको कोई रोजी नहीं देगा, कोई आपको वेतन नहीं देगा, तो इसलिए एक रोजगार की ओर, एक उद्यम की ओर एक कलाकार को मतलब अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए जाना उसकी मजबूरी और आवश्यकता हो जाती है, तो सर्वप्रथम उसको उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो लेखन और इन कार्यों पे ध्यान दे सकता है। आपने जैसे विदित हो गया प्रतिष्ठित परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार के जो लोग होते हैं उनके लिए और बड़ी चुनौती की चीज़ होता है कि आपकी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना है, उसके बाद भी आपको उस कार्य को करना है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक बात है। और एक मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो कलाकारों के लिए
और जो कला साहित्य लेखन इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इनके लिए यदि कोई ऐसा पहल किया जाए कि वो उसी क्षेत्र में कार्य कर सकें और उस क्षेत्र में उनको रोजगार मिले, तो ये कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार ने जो स्टार्टअप वगैरह जो लेके आई है केंद्र की सरकार, फिर लोन वोन भी दिया जाता है, इन तमाम चीज़ों में इस तरह की कोई गुंजाइश तो होगी मेरे ख्याल से? नहीं, देखिए क्या, सरकार जो है ना, जो सारी चीज़ों हैं, सरकार सारी चीज़ें करती है, लेकिन असलियत तो ये है कि सारी चीज़ें करती हैं पर जो चीज़ें हैं ना वो खाने पूर्ति के लिए होती हैं। जो सही कलाकार हैं उनको आप जाके पूछेंगे कि आपको क्या इस चीज़ का फ़ायदा मिला, क्या आपको इस चीज़ से अवगत हैं और इस चीज़ का आपको लाभ मिल रहा है, तो बहुत सी चीज़ों में आप देखेंगे कि उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाते हैं और जो राजनीतिक के संपर्क में होते हैं उनके ही कार्य होते हैं, यानी कि बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। पर इससे सरकार की मंशा तो सही है ना, क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है जमीन पर, वो एक अलग बात। हाँ ये है, सरकार की मंशा तो सही है पर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होने चाहिए। तो अभी आप सफल कुमार भोई जी को सुन रहे थे। सफल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत लंबा वक्त हमको दिया भी और तमाम मुद्दों पर आपने बात भी की। और आखिरी में गुजारिश आपसे और है कि दर्शकों से रूबरू होते हुए, दर्शकों को अपना आखिरी संदेश देते हुए, इस कार्यक्रम का आखिरी संदेश देते हुए इसको यहीं पर अपन समाप्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और लोगों से रूबरू कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लेखक और एक कलाकार और एक समाज सेवी के रूप में समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम समाज में, सरकार हमारे लिए प्रयत्न करती है, उसमें कई जो अब योजना है उसके क्रियान्वयन होते हैं, कई नहीं होते हैं, लेकिन सबसे मूल्य मुख्य बात यह है कि हमको अपना ध्यान और अपनी स्वावलंबन की जिम्मेदारी हमें अपने आप ही सर्वप्रथम निभाने की ज़रूरत है और उसकी आवश्यकता है। हम किसी पर अधिक निर्भर न रहें, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम स्वावलंबी बने, उसके पश्चात अपने जीवन को एक सफल उद्देश्य की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।